मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि 19 दिसंबर को पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्य तौर पर कांग्रेस का काम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। हम शीतकालीन सत्र में महंगाई, अवैध उत्खनन, बेरोजगारी, महिला अपराध और आदिवासियों पर बढ़ रहे अपराध के मुद्दे उठाएंगे। देखिए हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर खान की यह खबर। कांग्रेस की पूरी तैयारी है, 19 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के निवास पे बैठक है विधायक दल की, वहाँ पूरी रणनीति तय होगी। और रणनीति वैसे देखा जाए तो एक ही है, जनता की आवाज़ को बुलंद करना है विधानसभा के अंदर। जो जनता प्रताड़ित हो रही, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे किसान खाद से हो, या कानून व्यवस्था, बच्चियों महिलाओं पर अत्याचार, एक्सीडेंट्स और आए दिन लोगों की आत्महत्याएं, ये सब रेत उत्खनन, भ्रष्टाचार, लोगों के असमय ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसका उद्योग चलाना, ये सब बातें जो है, और बेरोजगारी, इन सब बातों पर कांग्रेस बीजेपी घेरेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।